एमपी की सियासत में अब आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि राजधानी भोपाल की सड़कों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के कई पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कमलनाथ को वांटेड और करप्शन नाथ बताया गया है। वहीं अब कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है तो भाजपा चुटकी लेती नजर आ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल की सड़कों पर लगे पोस्टर, कमलनाथ को बताया वांटेड और करप्शन नाथ। कांग्रेस ने भाजपा की चाल होने का लगाया आरोप। मामले पर चुटकी लेती नजर आ रही भाजपा। दरअसल राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट समेत कुछ चौराहों पर कमलनाथ के पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टर में स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें लिखा है। वहीं कुछ पोस्टर में घोटाले गिनाए गए हैं, जिनको लेकर भाजपा नेताओं ने चुटकी ली और कहा कि पोस्टर पर QR कोड भी दिया गया है, स्कैन करके सारी जानकारी निकाल दी जा सकती है। आज ये जानकारी दी, मुझे सुबह कुछ मीडिया के मित्रों के फोन आए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं कि करप्ट नाथ कमलनाथ, और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें QR कोड है और QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्ट नाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने अब किन्होंने इन सारी चीजों को किया होगा, ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट नाथ थे, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। तो आप QR कोड पे जनता देख रही है और मुझे लगता है, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ है, तो इसका जवाब तो श्रीमान कमलनाथ ही देंगे। जो आपके बारे में जो चीजें आई हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए, वो करप्ट नाथ हैं कि नहीं। कांग्रेस तो पूरे हमेशा केवल आरोप लगाने का काम करती है। मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी और श्रीमान करप्ट नाथ कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो कहा गया है, हर चीज बीजेपी पर क्यों डालते हो भाई? बीजेपी का क्या लेना देना है इससे? अब थाने जाने के पहले विचार करो कि कबीलों के कुनबे की कलाई तो नहीं आ रही फूट फूट के बाहर। वो एक था ना फटा पोस्टर निकला जीरो, कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र, थाने जाने के पहले कोई आस्तीन का सांप तो नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने इस सारे ही मामलों को भाजपा की चाल करार दिया है और कहा है कि इस पोस्टर अभियान की हमें चिंता नहीं है क्योंकि कमलनाथ तो जनता के दिलों में हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपने वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए आमादा हो चुकी है। जिस तरह माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं, उन्हें लेकर एक पोस्टर अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारे नेता प्रदेश की जनता के दिलों में विराजित हैं। मगर वे लोग जो मुद्दों से इतर अपने इस चरित्र को सार्वजनिक कर रहे हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का राजनैतिक वातावरण विषाक्त नहीं हो, मुद्दों पर इलेक्शन हो, निर्वाचन की जो आचार संहिता है हम उसका पालन करें, किंतु यह ठेकेदारी की फ्रेंचाइजी सिर्फ कांग्रेस के पास नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी इस डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भ्रष्टों के खिलाफ प्रामाणिक आरोपों का भंडार है। वे जवाब देते देते थक जाएंगे और इलेक्शन निकल जाएगा। हमें छेड़े ना, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं।
कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर को लेकर युवा कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह इस पूरे घटनाक्रम पर थाने में FIR दर्ज करवाएंगे और निष्पक्ष जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।